नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिटल सर्कुलेशन के इस पार्ट टू में। हमने फिटल सर्कुलेशन को तीन हेडलाइन में डिवाइड किया था। पहले हेडलाइन थी प्रीनेटल ब्लड सर्कुलेशन, दैट मीन्स ब्लड सर्कुलेशन बिफोर बर्थ, और दूसरी हेडलाइन थी पोस्टनेटल ब्लड सर्कुलेशन, उसे हम कह सकते हैं कि चेंजेस दैट ऑकर आफ्टर बर्थ, यानी कि हाउ प्रीनेटल ब्लड सर्कुलेशन कन्वर्ट इन टू पोस्टनेटल ब्लड सर्कुलेशन। पोस्टनेटल ब्लड सर्कुलेशन दैट मीन्स द सर्कुलेशन लाइक दैट ऑफ एडल्ट। और तीसरी हेडलाइन है रेमिनेंट ऑफ फीटल सर्कुलेटरी पार्ट्स इन एडल्ट। प्रीनेटल ब्लड सर्कुलेशन जो पहली हेडलाइन है वो हमने पहले पार्ट में देखी है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का देखा नहीं है तो ऊपर आए बटन में मैंने लिंक दी है, जाके देख लीजिए। और अब इस वीडियो में हम देखेंगे चेंजेस डेट ऑकर आफ्टर बर्थ और रेमिनेंट ऑफ फीटल ब्लड सर्कुलेटरी पार्ट्स इन एडल्ट। पोस्टनेटल ब्लड सर्कुलेशन बताने से पहले मैं आपको प्रीनेटल ब्लड सर्कुलेशन एक बार फिर से एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ, जो कि मैंने पहले पार्ट में बताया था। यह है प्लासेंटा। प्लासेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लीवर में थ्रू अम्बाइलिकल वेन, यह होता है एक बाईपास, उसे कहते हैं डक्टस वेनोसस। उससे मैक्सिमम ब्लड जो है डायरेक्ट इन्फीरियर वेना कैवा में जाता है और थोड़ा पार्ट जो है ब्लड का वो लीवर को सप्लाई किया जाता है। फिर यहाँ से ब्लड जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड आया था वो जाता है डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में थ्रू फोरामिन ओवेल। और जो सुपीरियर वेना कैवा से आता है लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो फिर आता है राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से फिर आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पंप होता है और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जब वो लंग्स की तरफ जाता है तो यहाँ पे एक शंट डेवलप हुआ होता है, वो है डक्टस आर्टेरियोसस। तो यहाँ से लंग्स की तरफ ब्लड न जाते हुए वो यहाँ से शंट होता है मैक्सिमम पार्ट और जाता है एवोर्टा में, और थोड़ा बहुत जो पार्ट लंग्स में जाता है वो बिना ऑक्सीजन हुए ही वैसे ही वापस आता है फिर लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम में जो पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था वो और लंग्स से जो आया ब्लड वो जाता है फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होता है और जाता है फिर एवोर्टा के थ्रू पूरे बॉडी को सप्लाई होता है। तो यहाँ से फिर जो ब्लड है वो राइट और लेफ्ट अम्बाइलिकल आर्टरी के थ्रू प्लासेंटा में जाता है, और प्लासेंटा में फिर यहाँ पे उसका ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर यहाँ से फिर रिटर्न आता है। ये हो गई प्रीनेटल ब्लड सर्कुलेशन की साइकिल ऐसी होती है। अब मैं बताता हूँ कि चेंजेस क्या होते हैं आफ्टर बर्थ। बेबी के बर्थ होने के बाद दो मेन चेंजेस होते हैं, तो वो कौन से देखिए। तो पहला चेंज जो है वो है कि बेबी क्राई करता है तो सो उसके लंग्स जो है वो एक्सपैंड होते हैं, और देन आफ्टर बेबी हैज इट्स ओन वेंटिलेशन सिस्टम। और दूसरा है कि अम्बाइलिकल कॉर्ड जो है उसे हम कट करते हैं क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। पहला चेंज जो है बेबी क्राई करता है, बेबी क्राई करता है तो उस जो लंबी सांस लेता है तो उसके वजह से ये जो लंग्स पहले नॉन फंक्शन थे छोटे वो पूरे बड़े होते हैं, एक्सपांड होते हैं और फंक्शन करने लगते हैं, मतलब यहाँ पे वेंटिलेशन होगा। तो वेंटिलेशन यहाँ होगा तो इसकी वजह से हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं। तो बेबी के बर्थ के बाद हम अम्बाइलिकल कॉर्ड को कट करते हैं, यहाँ से ऐसे कट करते हैं। तो जब अम्बाइलिकल कॉर्ड को हम कट करते हैं तो पहले कैसे है कि जो आर्टरी है उसे पहले हम कट करते हैं और थोड़ी देर रुकते हैं क्योंकि जो यहाँ से ब्लड आया था वो प्लासेंटा के थ्रू अम्बाइलिकल वेन के थ्रू पूरा रिटर्न जाए, और उसके बाद हम अम्बाइलिकल वेन को कट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर ये जो अम्बाइलिकल आर्टरी वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है और अम्बाइलिकल वेन भी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। पहले दो चेंजेस मैंने आपको बताए, जो कि एक था कि लंग्स एक्सपांड होते हैं और ये खुद ही वेंटिलेशन सिस्टम शुरू कर देते हैं, और दूसरा जो ये था कि हम इसे अपना अम्बाइलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं। अब और बाकी के जो चेंजेस है वो होता है कि ये जो डक्टस वेनोसस होता है वो भी क्लोज हो जाता है, फोरामिन ओवेल जो है वो भी क्लोज हो जाता है, और जो यहाँ पे डक्टस आर्टेरियस होता है वो भी क्लोज हो जाता है। पहले देखते हैं हम फोरामिन ओवेल कैसे क्लोज होता है। तो फोरामिन ओवेल में अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो राइट एट्रियम में इसमें बर्थ के पहले प्रेशर ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट अम्बाइलिकल वेन का ब्लड जो था वो फ्लो होके इसमें आता था और ऊपर से भी ब्लड आता था, तो इसकी वजह से यहाँ पे ब्लड ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा था। लेकिन बर्थ के बाद जब लंग्स एक्सपांड होते हैं तो लंग्स में ब्लड जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होके होने के बाद फिर वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, तो ब्लड क्वांटिटी यहाँ बड़ी, रिलेटिव प्रेशर जो है वो लेफ्ट एट्रियम में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू राइट एट्रियम। क्यों, क्योंकि ब्लड लंग्स से आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से ये जो है क्लोज हो जाता है।
फोरामिन ओवल कैसे होता है मैं आपको बताता, पहले वीडियो में आपको बताया था मैंने कि फोरामिन ओवल का मैकेनिज्म कैसा है। ये है सेप्टम सिकंडम, ये सेप और उसके बीच में जो ओपनिंग है उसे कहते हैं फोरामिन ओवल। ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में अब लंग्स से ब्लड आ रहा है तो यहाँ पे जो ब्लड की क्वांटिटी है वो बढ़ी तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो गया। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये जो सेप्टम प्राइमम होता है, सेप्टम सिकंडम के बाजू में और एक प्राइमम होता है, सेप्टम होता है तो उसे सेप्टम प्राइमम कहते हैं, तो वो जो है प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पे चला जाता है ऐसा फोरामेन ओवेल के ऊपर, और जो है फोरामेन ओवेल है वो क्लोज हो जाता है और यहाँ पे बस खाली रहता है डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं फोसा ओवेलिस। डक्टस आर्टेरियोसिस ये कैसे क्लोज होता है, अब देखिए डक्टस आर्टेरियोसिस जो है वो तीन चीज़ों के लिए वेरी सेंसिटिव होता है। उसमें पहली चीज़ होती है डक्टस आर्टेरियोसिस इज वेरी सेंसिटिव टू थ्री थिंग्स, फर्स्ट होती है ऑक्सीजन, सेकंड होता है ब्रैडीकाइनिन और थर्ड होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2। अब होता क्या है देखिए, जो ब्लड का फ्लो था वेंट्रिकल से आने वाला यहाँ पे आता था तो पहले लंग्स कोलैप्स थे जो कि फंक्शन नहीं थे, उसमें प्रेशर भी हाई था रेजिस्टेंस भी हाई था तो ब्लड जो है यहाँ से लंग्स की तरफ नहीं जाता था, यहाँ से बाईपास होते यहाँ जाता था। लेकिन अब हुआ क्या है कि लंग्स एक्सपांड हुए तो लंग्स में जो प्रेशर था वो कम हो गया, प्रेशर डाउन हो गया, तो लंग्स का प्रेशर डाउन होने की वजह से यहाँ से जो ब्लड था वो एओर्टा की तरफ न जाते हुए लेस प्रेशर की तरफ यहाँ लंग्स में जाने लगा और लंग्स में जो उसके वेसल्स थे वो एक्सपांड होने की वजह से यहाँ वो ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर उससे यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट एट्रियम में जाता है और लेफ्ट एट्रियम से जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके जो पंप होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो एओर्टा के थ्रू यहाँ से यहाँ जाता है, पूरे बॉडी को सप्लाई होता है। लेकिन यहाँ होता क्या है कि ये जो शंट था वो रिवर्स हो गया, पहले बर्थ के पहले इस पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड एओर्टा में जाता था ऐसे, लेकिन अब क्या होगा कि इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें प्रेशर कम हो गया, क्यों, क्योंकि लंग्स एक्सपांड हुए तो उसकी वजह से और एओर्टा में प्रेशर बढ़ा, क्योंकि यहाँ से ब्लड जो है ज़्यादा आने की वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ा है तो जो एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिटर्न इसमें आ रहा है, इसमें पल्मोनरी आर्टरी में, मतलब यहाँ से रिटर्न आके फिर लंग्स में जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो ये है डक्टस आर्टेरियोसिस वो तीन चीज़ों के लिए सेंसिटिव है, एक तो क्या है ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मोर आ रहा है तो उसके लिए वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा आ रहा, तो ऑक्सीजन ज़्यादा आने की वजह से ऑक्सीजन जो है उसके स्मूथ मसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, जो डक्टस आर्टेरियोसिस होता है ना उसके स्मूथ मसल को और कंस्ट्रिक्ट करता है तो कंस्ट्रिक्शन बढ़ गया। और जब लंग्स एक्सपांड होते हैं तो लंग्स पहला हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रैडीकाइनिन, ये जो ब्रैडीकाइनिन है मतलब ब्रैडीकाइनिन की क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई तो ब्रैडीकाइनिन भी एक क्या है कंस्ट्रक्टेड है, तो अगेन फिर इस डक्टस आर्टेरियोस को आर्टेरियोसिस को कंस्ट्रक्ट करता है। और फिर होता क्या है कि ऑक्सीजन और ब्रैडीकाइनिन ये दोनों भी बढ़ने की वजह से जो डक्टस आर्टेरियोसिस है वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का सिक्रेशन करने में असफल होता है, जो कि बर्थ के पहले वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का सिक्रेशन करता था जो कि एंटी कंस्ट्रिक्टेड हार्मोन था, लेकिन अभी उसका रिलीज जो मतलब वो जो है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 वो भी क्वांटिटी कम हो गई, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2, सो इट अगेन कंस्ट्रिक्ट द डक्टस आर्टेरियोसिस। सो इनिशियली डक्टस आर्टेरियोसिस पूरी तरह से क्लोज हो जाता है टेम्परली, इनिशियली बाकी सभी भी जो बाईपास है वो टेम्परली क्लोज होते थे और बाद में फाइब्रोसिस होने के बाद वो परमानेंट क्लोज होती है। अब ये डक्टस आर्टेरियोसिस भी क्लोज हो गया, अब देखें तो ये क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, तो जो नॉर्मल एडल्ट का ब्लड सर्कुलेशन होता है उसी तरह ब्लड सर्कुलेशन होने हो गया। अब जो बाकी के जो पार्ट्स थे जो कि फीटल ब्लड सर्कुलेशन में एक्स्ट्रा पार्ट थे उसमें क्या था, अम्बालिकल आर्टरीज थे दो और अम्बालिकल वेन थी और जो ये डक्ट थे, डक्ट तीन थे, एक दो और एक तीन, तो अब देखिए इसमें भी चेंजेस होते हैं। अब हम देखते हैं इसके थर्ड पार्ट जो कि आखिरी पार्ट है इस वीडियो का, थर्ड हेडलाइन जो कि थी कि रेमनेंट ऑफ फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम इन एडल्ट्स, मतलब जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट फीटल सर्कुलेशन में थे उसके क्या रेमनेंट एडल्ट में बचते हैं बाकी रहते हैं। तो देखिए पहला जो एक्टिव पार्ट इन फिटस
वो पहला था डक्टस फिनोसस जो कि लीवर में था, वो क्लोज होने के बाद फिर बनता है लिगामेंटम फिनोसम। डक्टस आर्टेरियोसस पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में होता था शंट, तो वो बंद क्लोज होने के बाद होता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। और फिर फोरामेन ओवल क्लोज होकर बनता है फोसा ओवेलिस। अम्बालिकल वेन जो है वो बनती है लिगामेंटम टेरिस लीवर के। और जो अम्बालिकल आर्टरीज है उसके तीन पार्ट होते हैं, उसमें दो पार्ट जो है फंक्शनल होते हैं, एक होता है इंटरनल इलियाक आर्टरी और दूसरा होता है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी जो कि बाद में ब्लैडर को सप्लाई करती है, और इंटरनल इलियाक आर्टरी। और जो नॉन फंक्शन पार्ट होता है वो मेडियन अम्बालिकल लिगामेंट अम्बालिकल वेन, वो क्लोज होके वो होती है लिगामेंटम टेरिस। और ये जो राइट और लेफ्ट अम्बालिकल आर्टरी इसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है ये जो नॉन फंक्शनल पार्ट है उसे कहते हैं हम मीडियन अम्बालिकल लिगामेंट, और यहाँ से कुछ पार्ट जो है उसका वो एक्ट करता है इंटरनल इलियाक आर्टरी, और कुछ पार्ट जो है उसका एक्ट करता है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। सुपीरियर वेसिकल आर्टरी जो कि ब्लैडर को सप्लाई करती है बाद में डक्टस वेनोसस, वो कन्वर्ट होकर बनता है लिगामेंटम वेनोसम। ये डक्ट लिगामेंटम वेनोसम, यहाँ पे जो फोरामेन ओवेल है वो क्लोज होके होता है फिर फोसा ओवेलिस, यहाँ पे बस डिप्रेशन होता है। और फिर यहाँ पे जो डक्टस आर्टेरियोसस है वो क्लोज होके होता है लिगामेंटम आर्टेरियोसस। अगर डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज नहीं हुआ कुछ बच्चों में तो हम उसे एक ड्रग्स देते हैं, उसे कहते हैं एंडोमिथेसिन जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का जो है रिलीज जो है वो कम करता है, उसके वजह से वो फिर अगेन कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर क्लोज नहीं हुआ तो हम उसे सर्जिकली लाइगेट करते हैं। और जो ओपन डक्टस आर्टेरियोसिस होते हैं उसे हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन फटाफट से क्या क्या रेमनेंट बचते हैं। डक्टस वेनोसस जो है वो कन्वर्ट होके होता है लिगामेंटम वेनोसम में। डक्टस आर्टेरियोसस जो है कन्वर्ट होके होता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम में। फोरामेन ओवेल क्लोज होके होता है फोसा ओवेलिस। अम्बालिकल वेन कन्वर्ट होती है लिगामेंटम टेरेस में। अम्बालिकल आर्टरीज के तीन ब्रांच होती है, एक होता है मीडियन अम्बालिकल लिगामेंट जो कि नॉन फंक्शनल होता है, और इंटरनल इलियाक आर्टरी और सुपेरियर वेजिकल आर्टरी जो कि ब्लैडर को सप्लाई करते हैं। इस तरह से ये हुआ हमारा फिटल ब्लड सर्कुलेशन का सेकंड पार्ट, और इसी के तहत हमारा फिटल ब्लड सर्कुलेशन पूरा कंप्लीट हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना मुझे नीचे कमेंट में, और आपका कुछ सवाल हो तो कमेंट में पूछना। BMS के रिलेटेड ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आयुर्वेदा टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।